एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू पैलेट क्या है? एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू पैलेट एक टू कंपोनेंट पॉलीयूरेथेन वुड फिनिश है जो आपकी लकड़ी की सतह को रंग प्रदान करता है। ये तरह तरह के शेड्स में उपलब्ध है जो बहुत अधिक टिकाऊपन के साथ उत्कृष्ट एंटी फेडिंग और एंटी येलोइंग गुणों को दर्शाता है। वुडटेक पीयू पैलेट इंटीरियर ग्लॉस और सैटिन वेरिएंट्स में और एक्सटीरियर ग्लॉस फिनिश में उपलब्ध है। इसे किसी भी वुडन सबस्ट्रेट या सॉफ्ट मेटल से बनी सतहों पर लगाया जा सकता है। एशियन पेंट्स वुडटेक पीयू पैलेट मेटालिक रेंज में भी उपलब्ध है, जिसे एक मेटालिक फिनिश पाने के लिए वुडटेक पीयू पैलेट प्राइमर सरफेस और वुडटेक पीयू इंटीरियर या एक्सटीरियर टॉप कोट के बीच में एक मिडिल कोट के रूप में लगाया जा सकता है। प्रोडक्ट संबंधी विशेषताएं। एशियन पेंट्स वुडटेक पीयू पैलेट इंटीरियर 150 से भी ज्यादा शेड्स, 30 मेटालिक शेड्स और 20 ट्रांसलूसेंट शेड्स सहित 150 से भी ज्यादा शेड्स में उपलब्ध। दरार प्रतिरोध। एशियन पेंट्स वुडटेक पीयू पैलेट इंटीरियर में एक मजबूत लेकिन लचीली फिल्म होती है, इसीलिए ये वक्र सतहों पर भी दरारों का प्रतिरोध करता है। बेहतरीन प्रतिरोध। एशियन पेंट्स वुडटेक पीयू पैलेट इंटीरियर में खरोंच, दाग और ताप प्रतिरोध अच्छा होता है। कठोरता। एशियन पेंट्स वुडटेक पीयू पैलेट इंटीरियर में बेहतरीन फिल्म कठोरता होती है, जो प्रोडक्ट को मेलामाइन की तुलना में ज्यादा टिकाऊ बनाता है। इन विशेषताओं के अलावा एशियन पेंट्स वुडटेक पीयू पैलेट एक्सटीरियर में है एक्सटीरियर टिकाऊपन। एशियन पेंट्स वुडटेक पीयू पैलेट एक्सटीरियर में यूवी गार्ड होता है, जो प्रोडक्ट को एक्सटीरियर्स के लिए उत्कृष्ट बनाता है। तकनीकी विवरण। कवरेज। कवरेज रेट लगभग 8 से 10 वर्ग मीटर प्रति लीटर प्रति कोट। एप्लीकेशन का तरीका स्प्रिंग। सूखने का समय। सतह सूखने का समय इंटीरियर के लिए 25 से 30 मिनट। ट्रैक फ्री समय 3 घंटे। रीकोटिंग समय 8 से 12 घंटे। जरूरत पड़ने पर बफिंग 72 घंटे के भीतर करना चाहिए। मिश्रण अनुपात। प्राइमर सरफेस बेस को हार्डनर के साथ आयतन के आधार पर 9:1 के अनुपात में मिलाएं और 25-40% एशियन पेंट्स वुडटेक पीयू थिनर से उसे पतला करें। हार्डनर को आयतन के आधार पर 4:1 के अनुपात में मेटालिक अंडरकोट सहित टॉप कोट्स के सभी वेरिएंट्स के साथ मिलाएं और 25-40% एशियन पेंट्स वुडटेक पीयू थिनर से उसे पतला करें। मैच्योर करने का समय। लगाने से पहले मिश्रण को 30 मिनट के लिए छोड़ दें। पतला किए गए पेंट की स्थिरता। मिश्रित करने के बाद 3 घंटे के भीतर इस्तेमाल कर लें। ग्लॉस का स्तर। ग्लॉस फिनिश में 90%, सैटिन फिनिश में 20-55%। एप्लीकेशन की प्रक्रिया। एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपने आवश्यक सुरक्षा उपकरण पहने हैं। लकड़ी की सतह को सैंडपेपर 180 से सैंडिंग करके उसे साफ करना शुरू करें। यदि सतह पहले से ही कोटेड हो तो उसे स्क्रेपिंग द्वारा साफ करें। वुडटेक पीयू पैलेट प्राइमर सरफेस को हार्डनर के साथ आयतन के आधार पर 9:1 के अनुपात में मिलाएं। और 25-40% एशियन पेंट्स वुडटेक पीयू थिनर से उसे पतला करें। मिश्रण को 30 मिनट तक मैच्योर होने दें। प्रत्येक कोट के बीच में 4-5 घंटे तक सूखने का समय देते हुए सतह पर मिश्रण के 2 कोट स्प्रे करें। अब एशियन पेंट्स वुडटेक पीयू पैलेट को
हार्डनर के साथ आयतन के आधार पर 4:1 के अनुपात में मिलाएं। और 25-40% एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू थिनर से पतला करें। मिश्रण को 30 मिनट तक मैच्योर होने दें। प्रत्येक कोट के बीच में 12-14 घंटे तक सूखने का समय देते हुए सतह पर मिश्रण के 2 कोट स्प्रे करें। मेटालिक फिनिश की जरूरत होने पर वुड टेक पीयू पैलेट टॉप कोट की तरह उसी अनुपात में मिलाए गए एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू पैलेट मेटालिक्स के 2 कोट लगाएं और बीच में 25-40 मिनट या 5-6 घंटे के अंतराल के साथ सतह पर स्प्रे करें। मेटालिक कोट को सैंड ना करें। बताई गई प्रक्रिया में एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू सैटिन ग्लॉसी लगाकर उसे भर दें। एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू पैलेट की मार्केट प्रतियोगियों के साथ तुलना। ब्यूटाइल एसिटेट टेस्ट और MEK सॉल्वेंट टेस्ट। इस टेस्ट का इस्तेमाल आम घरेलू क्लीनरों में पाए जाने वाले ब्यूटाइल और MEK सॉल्वेंट जैसे केमिकलों के प्रति एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू पैलेट के बेहतरीन प्रतिरोध को उजागर करने के लिए किया जाता है। टेस्ट के परिणाम से ये साफ पता चलता है कि प्रतिस्पर्धी की सतह एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू पैलेट से कोटेड सतह की तुलना में काफी अधिक प्रभावित है। दाग प्रतिरोध टेस्ट। हम सबसे पहले बॉल पॉइंट इंक द्वारा, उसके बाद एक परमानेंट मार्कर द्वारा एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू पैलेट के प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट के साथ उसके दाग प्रतिरोध की तुलना करते हैं। हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धी पेंट प्रोडक्ट पैनल की तुलना में एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू पैनल पर लगे दाग बहुत ज्यादा आसानी से साफ हो जाते हैं। सिगरेट बट टेस्ट। हमने एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू पैलेट और उसके प्रतिस्पर्धी से कोटेड पैनलों में से प्रत्येक पर एक सिगरेट बट डालकर सिगरेट बट टेस्ट किया। ये टेस्ट सतहों पर ताप के प्रभाव की जांच करने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धी पैनल पर बचे जलने के निशान एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू पैलेट पैनल की तुलना में काफी अधिक है। क्रॉस कट एडहेशन टेस्ट। प्रत्येक तुलनात्मक प्रोडक्ट पैनलों पर एक क्रॉस के आकार का निशान लगाया जाता है और उसके बाद हम एक मास्किंग टेप का इस्तेमाल करके चिप्ड या छिले हुए पेंट को उतारने की कोशिश करते हैं। एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू पैलेट से कोट किए गए पैनल पर कम चिपिंग और पीलिंग दिखाई देती है, जिससे ये साफ पता चलता है कि एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू पैलेट में उसके प्रतिस्पर्धी की तुलना में काफी बेहतर एडिशन है। शीन टेस्ट। एक तैयार लकड़ी की सतह के ग्लॉस के स्तर को एक ग्लॉसोमीटर का इस्तेमाल करके मापा जाता है। एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू पैलेट के लिए उच्चतर ग्लॉसोमीटर रीडिंग प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट की तुलना में ज्यादा शीन या ग्लॉस को दर्शाती है। एप्लीकेशन से संबंधित सलाह। बेहतर फिनिश के लिए कुछ उपयोगी सलाह। बेस और हार्डनर को हमेशा कांच, प्लास्टिक या तामचीनी के बर्तनों में ही मिलाएं। सुझाई गई मात्रा से कम हार्डनर का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि उसकी वजह से क्योरिंग ठीक से नहीं होगी, सतह नरम और कमजोर रह जाएगी। उसी समय अत्यधिक हार्डनर ना डालें, क्योंकि उसकी वजह से फिल्म कमजोर हो सकती है और उसमें दरार पड़ सकती है। लगाने से पहले पेंट और पतला किए गए मिश्रण को अच्छी तरह हिलाएं। प्रत्येक कोट के लिए 150-180 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के बीच पेंट का इस्तेमाल करें। एशियन पेंट्स वुड टेक पीयू पैलेट को तेल, वार्निश, इस तरह की किसी अन्य चीज से दूषित ना करें। वांछित चमक स्तर पाने के लिए मैट और ग्लॉसी फिनिश को मिश्रित करें। सुनिश्चित करें कि भंडारण और लगाने का काम हवादार क्षेत्रों में किया गया है। ध्यान दें कि बेस और हार्डनर को सील खोलने के एक सप्ताह के भीतर इस्तेमाल कर लेना चाहिए।
सीलर का पहला कोट दूसरे कोट से ज्यादा पतला होना चाहिए क्योंकि उससे ग्रेन फिलिंग बेहतर ढंग से होती है।